हे गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज कीमा मसाला, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम पैन को हीट कर लेते हैं और ऐड करते हैं घी। अब ऐड करते हैं ग्रेटेड जिंजर। अगर आप चाहें तो इसमें जिंजर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हींग, एंड फ्राई एवरीथिंग वेल। जिंजर अच्छे से फ्राई हो गया है, सो अब ऐड करते हैं इसमें कैप्सिकम 1 बोल। थोड़ी देर इसको पकने दें। अब ऐड करते हैं टोमेटोज। एंड स्टर इट वेल। अब ऐड करते हैं बॉइल्ड कैरेट। और सबको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। नाउ ऐड सॉल्ट। हरा धनिया, टोमेटो सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा मीठा बनाना चाहते हैं वेज कीमे को सो आप इसको डाल सकते हैं या फिर जितना भी अमाउंट में डालना चाहते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। अब ऐड करते हैं लाल मिर्च और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देते हैं। नाउ फाइनली ऐड वाटर। तो अब इसको 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं जिससे कि सारी वेजीज अच्छे से कुक हो जाएं एंड जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। बीच में एक बार कर लेते हैं अपनी वेजीज को चेक। अभी वेजीज पूरी तरह हुई नहीं है बिकॉज थोड़ा सा वाटर रिमेनिंग है इसमें, सो 5 मिनट के लिए इसको और कुक होने देते हैं। पांच मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि वेजीज अच्छी तरह से पक चुकी हैं और एक बहुत ही प्यारा कलर इनका आया है। सो नाउ ऐड गरम मसाला एंड मिक्स इट प्रॉपरली। अब फाइनली ऐड करते हैं हम पनीर। थोड़ा सा पनीर ड्रेसिंग के लिए बचा लें एंड एक अच्छे अमाउंट में पनीर को हम इसमें ऐड करेंगे एंड मिक्स स्लोली। पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है एंड आवर वेज कीमा इज रेडी। तो अब कर देते हैं इसकी ड्रेसिंग विद कोरिएंडर लीव्स एंड विद पनीर जो कि हमने लास्ट में थोड़ा सा बचाया था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।